मुंगेर में अर्धसैनिक बल एवं जिला पुलिस की टीम ने बुधवार की शाम धरारा प्रखंड के नक्सल प्रभावित पेशरा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने दो स्टील कंटेनर IED बम बरामद किया, जिसको गुरुवार को बम निरोधक दस्ता ने डिफ्यूज किया। विदित हो कि नक्सलियों ने IED बम को छिपा कर रखा था। दरअसल मुंगेर पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जिला रेड्डी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि ASP अभियान कुणाल कुमार के नेतृत्व में CRPF के 215 बटालियन तथा जिला पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के पेशरा गांव से उत्तर दिशा में लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी जंगल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान टीम के द्वारा नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे गए दो स्टील कंटेनर IED बम बरामद किया, जो कि एक केन बम 5 किलो तो दूसरा 7 किलो का था, जिसे CRPF के 215 बटालियन के BDD टीम ने रिकवरी किए गए स्थान पर ही डिफ्यूज कर दिया। SP जगुनाथ रेड्डी जिला रेड्डी ने बताया कि नक्सल अभियान के सी लेवल ऑफ शेडो के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। नक्सलियों के समक्ष दो ही विकल्प है, या तो वह खुद को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दे अथवा पुलिस की गोली खाने को तैयार रहे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मुंगेर को नक्सल फ्री जोन कर लिया जाएगा। ये तार है ना नीचे से, इधर का कंटेनर का ये हैंडल भी लगा हुआ है। हाँ, एक बड़ा कंटेनर है, एक छोटा कंटेनर है। हाँ, छोड़ देते हैं। छोड़ दे छोड़ दे।